ग्वालियर से खबर मिल रही है। ग्वालियर में पटाखा दुकान में आग लग गई है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में पटाखों की दुकानें लगी है और उन्हीं में से एक दुकान में आग लग गई शॉर्ट सर्किट के कारण। हालांकि फायर कर्मी वहीं पर मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए, दहशत में आ गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें देखिए, मेला ग्राउंड की तस्वीरें। अब रुक करेंगे संवाददाता उमेश का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। उमेश, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए मेला ग्राउंड में ये पटाखा बाजार लगा था और उसमें एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और आग के कारण जो वहाँ लोग पटाखा खरीदने आए थे उनमें भागदौड़ मच गई। और ये गनीमत यह है कि वहाँ कोई हताहत नहीं हुई और चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी मौके पर ही है सारे पटाखे बाजार में, इसीलिए तुरंत ही वो आग पर काबू पा लिया गया। अब हालात वहाँ पर सामान्य है, लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किट का कारण जानने के लिए वहाँ पुलिस पहुंची है और जो जुटाई तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता उमेश बता रहे हैं कि अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस भी अभी कारणों का पता लगा रही है कि आखिर क्या कारण रहा कि इस तरह से यह हादसा हुआ।